हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरू कर रहे हैं, मैं क्रम से नहीं चलूंगा, यूनिट 1 2 3 4 ऐसे नहीं चलने वाला हूँ। मैं चलूंगा वेटेज से, जिस यूनिट का वेटेज ज्यादा है वो हम पहले करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रायिकता सिद्धांत। SSC CGL एग्जाम में जो Tier 2 होता है, उसमें जो Paper 2 होता है स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर अगर टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 सवाल में से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का होता है। मैं आपको एवरेज बताऊं, इसमें एवरेज 10 से 11 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे किसी भी कीमत पे, है ना। कभी कभी ये 15-15 सवाल भी आए हैं पास्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट को मैंने अभी प्रीवियस ईयर स्टार्ट नहीं करा, पहले मैं एक सीरीज करूंगा जिसमें सारे यूनिट खत्म करेंगे और मैं मेरे बनाए हुए क्वेश्चन करूंगा जो मुझे लगता है कि प्रोबेबल क्वेश्चन है ना, पहले उसको खत्म करेंगे, फिर मैं 2023 वाला पेपर, 22 वाला पेपर, ऐसे क्रम में अपन चलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट से, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसमें है ना, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं किया, मैंने फोकस किया है क्वालिटी पे, है ना। मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट, ताकि एक क्वेश्चन के अंदर अपन ज्यादा समझ लें, है ना। प्रयास पूरा यही रहेगा, तो ये मत बोलना कि जरा सी क्वेश्चन करा है ना, मैंने ज्यादा समझाया होगा आपको, आपको खुद को ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छी यूनिट है ये, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ सम ऑफ 7 विथ 2 डाइस, है ना। तो बेसिकली ये डाइस का क्वेश्चन है, डाइस मतलब पासे, है ना, वो चौसर जो शकुनी मामा खेलते थे महाभारत में, वही वाले। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी आपको पता लगानी है, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दो पासे एक साथ फेंके और ऊपर 7 आना चाहिए, दोनों का जोड़ जो है वो 7 होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ये हमको निकालना है। ऑप्शन यहां पर है। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। क्या होती है प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब कोई भी घटना अगर घट रही है ना, कोई एक इवेंट है, मैंने पासे फेंके, तो उस पासे में टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। ये पासा मैंने फेंके, उसमें से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम कितने हो गए, 6 आउटकम, है ना। फेवरेबल आउटकम क्या है, मान लो मैं चाहता हूं कि इसमें से 3 आ जाए, तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम है। मैंने पूछा कि मैं पासा फेंक रहा हूं और उसमें ऊपर 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, 3, है ना। तो वो क्या हुआ, 3, मतलब कि वो 1, मतलब नंबर तो एक ही हुआ ना, नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम, ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि मैंने पासा फेंका और उसमें 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 एक ही बार आएगा, है ना। टोटल आउटकम कितने हैं, 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3 आने की, 1/6। तो ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी, मतलब एक पासे को आपने फेंका, उससे आपने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, एक पासे से, ठीक है ना। यहां पर वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ सम ऑफ 7 विद 2 डाइसेस। यहां पर एक्चुअली उसने 2 डाइस फेंक दिए, 2 पासे एक साथ फेंके हैं, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, है ना। देखो फॉर्मूला तो वही काम करेगा, प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। फेवरेबल आउटकम बाद में निकालेंगे, पहले हम ये पता लगाते हैं कि अगर मैं 2 पासे एक साथ फेंक रहा हूं तो टोटल आउटकम कितने निकलेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात देखो, एक पासा मैंने ये फेंका, दूसरा मैंने ये फेंका, मतलब दोनों मैंने एक साथ फेंक दिए। अब मान लो इस पासे के ऊपर 1 आया, इस पासे के ऊपर 1 आया, तो ये 1 आउटकम हुआ। अब जब इस पे 1 आ रहा है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इस पासे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो जब इस पासे के ऊपर 1 आ रहा है, तो यहां पर 6 अलग अलग आउटकम्स निकल रहे हैं, मतलब कि यहां पर अगर 1 है तो टोटल 6 आउटकम्स यहां पर आ रहे हैं। जब इस पासे पर 2 आ रहा है तब भी यही होगा, अगर इस पासे पे 2 आया तो टोटल कितने इसमें आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो यहां पर भी 6, ठीक है ना। वैसे जब इस पासे पे 3 आएगा तब भी यहां पर 6 आउटकम निकल रहे हैं, मतलब कि 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 4 आ रहा है इसमें, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, ठीक है, समझ गए ना। 5 आया तब भी यही, और यहाँ पर जब 6 आएगा तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक बात बताओ, कोई करना कुछ भी नहीं, इन सबको जोड़ दो, है ना, ये सारे जोड़ेंगे तो क्या आया, 36,
या तो उसको हम जोड़ देते हैं या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जैसे इसके टोटल आउटकम्स कितने, सिक्स हैं और इसके सिक्स हैं, तो इसको मैंने गुणा करना है, कुछ नहीं आया, 36 आ गया। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताया है, आपको यही करना है अल्टीमेटली कि दो एक जैसे इवेंट हो रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं अपन, दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक पासे के टोटल आउटकम 6 है, तो दो के कितने हो गए, 6 × 6। मान लो तीन पासे आते हैं एग्जाम में, पूछता है वो कि 3 डाइस एक साथ फेंके हैं तो टोटल आउटकम क्या होंगे, 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36, सॉरी 216, है ना, टोटल क्या हो जाएगा, 216, ठीक है ना। हालांकि 3 से ऊपर आएगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या किया, टोटल आउटकम पहले निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम कितना है, 216 आ गया। अब मैं फेवरेबल आउटकम निकाल रहा हूं, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। अब अपन निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो फेवरेबल आउटकम वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं पासे फेंक रहा हूं तो ऊपर जो जोड़ है, मतलब दोनों पासे को जो जोड़ेंगे वो 7 होना चाहिए। मतलब कि अगर इसमें मान लो यहां पर 4 है तो यहां पर 3 होना चाहिए, है ना। तो ऐसे कितने आउटकम निकल सकते हैं, तो देखो एक इस पासे में अगर एक आ रहा है तो इसमें आएगा 6, तो बनेगा 7, है ना, 1 + 6 = 7। अगर इसमें 2 आया तो इसमें आएंगे 5, तब 7 बनेगा। फिर अगर इसमें 3 आया तो इसमें 4, फिर इसमें 4 आया तो इसमें 3 आना चाहिए, इसमें 5 आया तो इसमें 2 आना चाहिए, इसमें 6 आया तो इसमें 1 आना चाहिए। तो ये 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जब ये ऐसा होगा कि ये 7 इसका टोटल आएगा, तो ये कितने हो गए टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, एक मिनट, 216 थोड़ी यार, ये 36 है ना, सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो ये फेवरेबल आउटकम क्या हुए, 6, और टोटल आउटकम क्या हुए, 6 × 6 = 36। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आया, 1/6, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब मैंने ये क्वेश्चन खुद नहीं क्रिएट किए, पर सिमिलर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सवाल, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1/6। अगला सवाल है, व्हाट डज इट मीन फॉर टू इवेंट्स टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परस्पर बहिष्कृत घटना, इसका मतलब क्या होता है, दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, दे कैन नॉट हैपन टुगेदर, दे मस्ट हैपन टुगेदर, दे आर इंडिपेंडेंट, नन ऑफ द अबव, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या है, ठीक है। देखो दो इवेंट है मान लो ए और बी, अब अगर ऐसा हो रहा है कि ए घट रहा है, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, अगर ए अकर कर रहा है तो बी बिल्कुल भी अकर नहीं कर रहा है, ठीक है, और अगर बी अकर कर रहा है तो ए अकर नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ये दो घटनाएं हैं ए और बी, अगर ए घटना घट रही है तो बी घटना घट ही नहीं सकती, और अगर बी घटना घटेगी तो ए घटना नहीं घटेगी, तो ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या फिर हिंदी में क्या बोला, परस्पर बहिष्कृत घटना, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, दे कैन नॉट हैपन टुगेदर। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है, कॉइन्स, है ना, एक सिक्का लिया मैंने, सिक्का उछाला, ठीक है। यहां पर दो इवेंट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आपका ये हो गया, ये हेड हो गया, है ना, और ये हो गया टेल। अब अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, तो हेड और टेल और हेड क्या हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब क्या कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, और दूसरा होगा तो पहला नहीं हो सकता, क्लियर है, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन फॉर टू इवेंट्स टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ओके। दे कैन नॉट हैपन टुगेदर, ठीक है ना, दे कैन नॉट हैपन टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसकी मतलब परिभाषा यही है कि वे एक साथ नहीं घट सकते। चलो आगे, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी, है ना। अब मान लो कि दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा, है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस के नंबर से मत जाना, आपको जो यहाँ पे सीखने को मिलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर है दो इवेंट तो उसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, दो घटनाएं एक साथ घट रही है ना,
तो उस दो घटनाओं के घटने के कारण क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, इसको है ना अपन एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक एक इवेंट, एक घटना ए है, एक घटना बी है, ठीक है। मैंने ये बोला कि यहां पर मुझे एक पासा फेंको और दो आना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक पासा फेंकोगे तो दो आना चाहिए, और उसी के साथ में, ठीक है, एक दूसरा इवेंट हो रहा है कि मैं अगर सिक्का उछालू तो टेल आना चाहिए। तो अब मेरे को इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगी, है ना, क्योंकि अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि दो आए हैं तो दो दो आने की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है, 2 1/6, है ना। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इसके साथ में ये इवेंट भी हो रहा है। जब मैं सिक्का उछाल रहा हूं, मतलब मैं एक हाथ से पासा फेंक रहा हूं, दूसरा हाथ से मैंने सिक्का उछाला है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो पासा फेंका है इसमें इसमें दो आना चाहिए, और सिक्का जो उछाला उसमें टेल आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये जो घटना घट रही है यहां पर दो आना चाहिए, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हैं, क्योंकि एक पासे में 6 नंबर होते हैं और दो एक ही बार आ रहा है, तो 1/6। और हेड और टेल में से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्यों, क्योंकि सिक्का उछालूंगा तो टोटल आउटकम दो है और हेड टेल केवल एक ही बार आएगा, तो 1/2। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/12। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/12, ठीक है, समझ में आया। ये मैंने आपको सिखाया ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देयर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब दो इवेंट्स है जो पी ए है, ये ए और बी है ना, ए है और बी है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब क्या हुआ कि अगर ए हटेगा तो बी नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे को जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बेसिकली ये होगा तो यही फॉर्मूला, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर ए और बी हैं, तो एक बात तो पक्की है कि अगर ए इवेंट घट रहा है इसका मतलब ये नहीं घट रहा है बी, और अगर बी घट रहा है तो ए नहीं घट रहा है। तो ए ए की प्रोबेबिलिटी चाहे जो भी हो, अगर ए घट रहा है तो बी नहीं घट रहा है, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो क्या है, जीरो। और अगर किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई है तो इन दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सीधी सी बात है कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब कि दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकते, तो उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी जीरो ही होगी, क्योंकि एक इवेंट घट ही नहीं रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग, ठीक है। तो 52 पत्तों के एक ताशी गड्ढी में से अपन ने क्या करा, एक पत्ता निकाला, सिर्फ एक पत्ता निकाला, और वो क्या है, किंग, राजा निकाला, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो किंग निकलेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का अपने को फॉर्मूला पता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मुझे एक बात बताओ, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब क्या, यहाँ पर ये नहीं बोला कि लाल पान का बादशाह है या चीड़ी का बादशाह या ईंट का बादशाह, कुछ ऐसा बताया तो है नहीं, केवल किंग है ना। तो किंग कितने होते हैं, चार होते हैं, ताशी गड्ढी में किंग कितने होते हैं, चार होते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, 4, और अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, है ना, तो टोटल आउटकम कितने, 52। तो आंसर क्या आ गया, 1/13। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो आता होगा आपको, ठीक है। तो आंसर का आएगा 1/13, वही है ना, 1/13, ठीक है। चलो अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हाट डज पी ए बाई वी सिग्निफाई, मतलब ये जो पी ए बाई वी लिखा हुआ है वहां पे, पी ए बाई वी ऐसे लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर सरल भाषा में डेफिनेशन देखें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। हिंदी में सशर्त संभाव्यता, किसी घटना के घटित होने की वह संभाव्यता है या प्रायिकता है, बशर्ते कि कोई अन्य घटना पहले से ही घट चुकी है, ठीक है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो दो इवेंट है, इवेंट ए इवेंट बी, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जब ये कंडीशन है कि बी पहले से घटित हो चुका है
है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसको कहते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी। ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिंपल है कि पी ए बाई बी जो होता है वो सिग्निफाई करता है कि दो इवेंट है ए और बी, और पी ए बाई बी का मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो आंसर सो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, यहां पर अगर उल्टा हुआ, मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, कंडीशन ये है कि ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उसको पी बी बाय ए लिखेंगे, जैसे जो ही लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, तो ये कहलाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस गिवन दैट यू ड्रॉ अ हार्ट। वाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये। अब देखो यही क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो आपको जो वो फॉर्मूला था ना वो यहाँ पे काम आने वाला है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली वो क्या पूछ रहा है कि मैं एक ताश की गड्डी है ना, एक ताश की गड्डी से मैं क्या निकालने का बोल रहा है, वो एस इक्का निकालने का बोल रहा है वो, है ना। क्या प्रोबेबिलिटी हो कि मैं उसमें से इक्का निकालूं और वो इक्का लालपान का हो, है ना। गिवन दैट यू आर ड्रू अ हार्ट, मतलब लालपान का मतलब कंडीशन ये कि आपको उसमें से लालपान निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट यहां पर हो रहे हैं एक साथ, ए और बी। ए में क्या बोल रहा है, वो इक्का निकालना है ना। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं यहां पे, पी ए बाय बी, पी ए गिवन, इसको ऐसे बोलेंगे पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। अब ये बताओ, ये मैं बता चुका हूं आपको, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, जो भी निकाला थोड़ी देर पहले, पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब कि बी के घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो आएगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। समझ में आ गया। अब ए क्या है और बी क्या है, ए क्या है मुझे इक्का निकालना है ना, मतलब इक्का निकालना है, एस निकालना है, और यहां पर बी क्या है कि ये पान का होना चाहिए। ठीक है ना, अब सबसे पहले मैं या तो पहले ये निकाल लेता हूं, पी भी निकाल लेता हूं पहले, है ना। तो चलो इसके लिए यहां पे आते हैं नीचे, पी भी मतलब क्या, पान निकलना चाहिए। पान निकलना चाहिए का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने पत्ते हैं, एक में से कितने पत्ते टोटल, पान कितने, 13। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो कैसे निकलेगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं, मतलब पान कितने हैं, 13। ठीक है, और टोटल पत्ते कितने हैं, 52। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। तो यहां पर नीचे मैं क्या लिखूंगा, 13/52। क्यों लिखूंगा ऐसा, 13/52, क्योंकि बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 13/52 होगी, क्योंकि टोटल जो पान के पत्ते हैं वो 13 है और टोटल पत्ते 52 है। तो हार्ट की प्रोबेबिलिटी होगी पी बी 13/52। अब आते हैं यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे निकालेंगे, ये हो गई हमारी क्या, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, इक्के कितने हैं, 4 है, तो 4/52 है ना, 4 इक्के निकालना है और 4 इक्कों को 52 पत्तों में से निकालना है, 4/52 हो गया। अब यहां पर क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 13/13, मतलब 13, टोटल 13 पत्ते हैं ये, ये वाले 13 पत्ते दाल पान के और 52 टोटल पत्ते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 आया, ये कैंसिल हुआ, तो 1/52। तो ये क्या आया आपका, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या आया, 1/52। मैं आपको ना इसको अलग तरीके समझाता हूँ। देखो ये तो हमने फॉर्मूले सॉल्व किया, ये 1/52 कैसे आएगा, मैंने क्या कहा कि मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो इक्का भी होना चाहिए और लालपान का भी होना चाहिए। ठीक है ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, दो घटनाएं एक साथ घट रही है। यहाँ पर दो घटनाएं कौन सी है, एक तो ए है मतलब कि इक्का होना चाहिए, दूसरी घटना क्या है, लालपान होना चाहिए। अब अगर मैं इसको जॉइंट करूंगा, मतलब कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मतलब कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, तो उस केस में क्या होगा, मेरा इक्का तो होना ही चाहिए लेकिन वो लालपान का भी होना चाहिए। तो 52 पत्तों में से ऐसे कितने पत्ते हैं जो इक्का भी और लालपान भी है, एक ही है, तो वो क्या होगा, 1/52 की प्रोबेबिलिटी आएगी। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप, 1/52। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 1/13।
तो आंसर क्या आया 1/13, तो आंसर हो गया आपका 1/13, है ना। और ये जो क्वेश्चन था ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही था, यहां पर आपने पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट किया, ठीक है, मतलब कि आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन जानो पहले। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर द इवेंट्स वेयर द अकरेंस ऑफ द वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कुछ दो घटनाएं हो रही है दुनिया में, दुनिया भर की घटनाएं हो रही है, तो एक घटना घट रही है उसका दूसरी घटना से कोई संबंध नहीं है, मतलब इस घटना में जो कुछ भी हो रहा उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस घटना में जो कुछ भी हो रहा है उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, नोइंग दैट वन इवेंट हैज हैपेंड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइक्लीहुड ऑफ द अदर इवेंट हैपनिंग, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में क्या है, ये जानना कि एक घटना घटित हो चुकी है दूसरे घटना के घटित होने की संभावना के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, है ना, जो कि हमने अभी किया, ठीक है, पी ए इंटू पी बी। जैसे कि अभी आप एग्जांपल लेते हैं, एक सिक्का है और एक डाइस है, तो अगर मैं सिक्का उछाल रहा हूं और एक डाइस ले रहा हूं, तो यहां पर ही दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, है ना। मतलब अगर डाइस में चार आए कि पांच आए कि दो आए उससे कॉइन को फर्क नहीं पड़ रहा, और कॉइन में कुछ भी आए, हेड आया टेल आया, उससे डाइस को फर्क नहीं पड़ रहा, डाई को फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी यही होता है, पीए इंटू पीवी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, फ्लिपिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखो यहां पर बाकी ऑप्शन से आप ये समझो कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, मैंने ये बता दिया इंडिपेंडेंट इवेंट, अब होता है डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो ऑप्शन देख लो, ड्रॉइंग टू कार्ड्स आफ्टर वन अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। एक ताशी गड्डी मैंने ले ली, उस गड्डी में से मैंने एक पत्ता निकाल लिया, है ना, उसके बाद मैं दूसरा पत्ता निकाला, तो पहला पत्ता निकाला मतलब पहला इवेंट हो गया, तो दूसरा पत्ता निकाला दूसरा इवेंट हो गया, तो दूसरा पत्ता जब मैंने निकाला तो जो पहला पत्ता निकाला था उसकी वजह से इसको फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि उस समय टोटल आउटकम 52 थे, इस बार 51 है, तो ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट, है ना। या फिर देखो, चूजिंग टू मार्बल्स फ्रॉम अ बैग ऑफ वन आफ्टर अनदर, एक थैली है उसके अंदर 10 बॉल्स रखी है, मार्बल्स रखे हैं, आपने एक बॉल निकाल ली, तो टोटल बॉल्स पहले 10 थी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी एक की कितनी हुई थी उस समय 1/10, जैसे आपने एक निकाल ली तो अगली बॉल जब निकली मतलब अगला इवेंट जब हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी घट के बढ़ के 1/9 हो गई, है ना। तो यहां पर क्या हुआ है, एक घटना से दूसरे को फर्क पड़ा और दूसरे से पहले को फर्क पड़ा, तो ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, ये कहलाता है डिपेंडेंट इवेंट। तो ये आपके क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी थ्योरी के, और जैसा मैंने आपको बताया यार, इसमें है ना वेटेज अच्छा खासा, 10 से 11 सवाल एसएससी, मतलब ये एवरेज बता रहा हूं मैं आपको 2014 से 2013 से, जब 100 उसके पहले 200 क्वेश्चन आते थे, तो 2013 से आप एवरेज निकाल रहे हैं, 10 से 11 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि 12-13 क्वेश्चन 15-15 सवाल भी पहुंचे हैं, ठीक है, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अभी अपन करेंगे इसके बाद में इंपॉर्टेंट यूनिट, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो लेके आऊंगा, तो उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें जितने कॉन्सेप्ट हो सकेंगे मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको यूनिट वाइज मतलब अपन नहीं पढ़ेंगे, मैं वेटेज वाइज बढ़ूंगा पहले, है ना, जो यूनिट में वेटेज जिसका ज्यादा होगा उसको पहले करेंगे, फिर क्रम से चलेंगे। ये पूरा अपना पूरे 12 यूनिट जब एक बार खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपन आएंगे ईयर वाइज, मतलब कि सीजीएल 2023 जो है, सीजीएल 2023 का, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो आए हुए यूनिट वाइज, उसको अपन खत्म कर लेंगे एक बार, फिर अगर टाइम मिलेगा तो 22 वाला कर लेंगे, है ना। मतलब जितना समय रहेगा अपन ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ताकि अपने को ये मानू पड़े कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और मेरा पर्पज ये होता है कि जब अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो साथ साथ कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी सीखना, ठीक है। तो यही था प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हुआ, थैंक यू सो मच, जय हिंद।